जय हिंद साथियों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ बेहतर, जबरदस्त, मस्त होंगे। मैं पवन किशोर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा 95 पर। तो साथियों, कि जैसा कि आप सबको भी पता है कि उत्तर प्रदेश यूपी टीएससी आयोग की तरफ से वीडियो एग्ज़ाम के सिलसिले में एक नोटिस जारी कर दी गई है। वो क्या नोटिस है, इसके विषय में सारी बात करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सब अगर चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो दोस्तों, सब जिनको ज्वाइनिंग लेटर मिलना था माननीय योगी आदित्यनाथ जी के हाथ से, उनको कल, मतलब कल 24 अक्टूबर को ही मिल गया है। 24 अक्टूबर को ही मिल गया है। कहाँ पर? वो लोक भवन में। ठीक, लोक भवन में। मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है कि कौन कौन उपस्थित था, कौन नहीं उसमें। ठीक है, तो आगे जो भी इन्फॉर्मेशन होगा वो पूरी आपको टाइम टू टाइम मिलेगा। अब इस नोटिफिकेशन में देखिए क्या इम्पोर्टेंट है, आइए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, पिकअप भवन तृतीय तल लखनऊ। ठीक है, 22810 यहाँ का कोड है, संख्या नंबर 79/12, कंप्यूटर अनुभाग 12/2018 और 2024, मतलब ये 2018 की वैकेंसी है। ठीक, आवश्यक सूचना देखते हैं सीधा सा। कल की नोटिस है, ये भी देख लीजिए कि 12 अक्टूबर दिखा रहा, तो ये कल की नोटिस है। ठीक, इतना चीज़ आप देखते रहिएगा। आयोग के विज्ञापन संख्या 2 परीक्षा 2018 सम्मिलित। ठीक है, ये देखो, सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी, सम्मिलित ग्राम पंचायत अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी, ठीक है, समाज कल्याण एवं समाज कल्याण के पर्यवेक्षक, सामान्य चयन प्रतियोगियात्मक परीक्षा 2018 के अंतर्गत पदवार श्रेणीवार व अभ्यर्थी द्वारा दी गई वरीयता के अनुसार निदेशक पंचायती राज उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन ग्राम पंचायत अधिकारी के कुल रिक्त पद 1527 के सापेक्ष एवं 1526 अभ्यर्थी तथा निदेशक समाज कल्याण एवं उत्तर प्रदेश के नियंत्रणाधीन ग्राम विकास अधिकारी के कुल रिक्त पद 362 के सापेक्ष 360, मतलब जिनको कल अलॉट हुआ था, नाम लिस्ट में था, उनका वितरण हो गया है। और जिनका बाकी रह गया था, उनमें से कुछ लड़के ऐसे थे कि 64 लड़के ऐसे थे 1953 में से कि जिनको इंटेक्शन दिया गया था कि आप अपने सारे जो आपके प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र, कौन से कागज हैं कौन से नहीं हैं, इनकी छवि को प्रस्तुत करिए, इनकी प्रति को प्रस्तुत करिए। तो उनके लिए उनको लास्ट चेतावनी भी मिल गई है, डेट भी मिल गया है। जैसा आप यहां देख सकते हो कि साफ साफ लिखा है कि दिनांक 12/9/2024 को घोषित अंतिम चयन परिणाम, मतलब 12 सितंबर को अंतिम रिजल्ट आया था, जो लास्ट रिजल्ट था, इस पर कोई संशोधन नहीं। उसके बाद घोषित उक्त अंतिम चयन परिणाम में अनुबंधित चिन्हित अभ्यर्थियों से लिखित परीक्षा 21 अभ्यर्थियों के शैक्षणिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों का परीक्षण व्यक्तिगत सुनवाई उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग की बहुत तथ्य का लगभग, मतलब ये देखो एकदम खास तरीके से आपको एक समय दे दिया गया है। एक वो समय कब है, ये देखिए 14/11/2024 को की जानी निर्धारित है। मतलब साफ साफ दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा कि दिनांक 14/11/2024 की व्यक्तिगत सुनवाई हेतु आमंत्रित अभ्यर्थी, मतलब उनको स्पेशली निमंत्रण है कि 14 नवंबर को बाल दिवस के रूप में जो मनाया जाता है, उस दिन आपको तृतीय भवन लखनऊ आयोग में आना है और आप अपनी सारे कागज़ को संपूर्ण रूप से वहां दिखाना है और फिर आपके आगे सुनी जाएगी। उसके लिए उन्होंने रोल नंबर अलॉट कर दिया है। ये देखिए, आपके लिए रोल नंबर भी अलॉट हुआ है। ठीक, रोल नंबर में ये देख लीजिए, आपका 69/84 वाले, आपका देख लीजिए 36/83 है, 605 है, 824 है, 422 है, 665 है, 110 है। ये वो टैलेंटेड स्टूडेंट हैं जिनके पास समय पर उनकी कागजात नहीं मिले, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, उनका कोई कागजात कंप्लीट नहीं था, उनके लिए इंट्रेक्शन है। 124, 142, 358, 718, 018, 021, 796, 521, फिर देख लीजिए, मतलब 21 लड़कों के लिए इंट्रेक्शन है, 609, 730, 750, 598, 882, 446, 502, इतने लोगों को कहाँ बुलाया गया है, यूपी टीएससी आयोग। ठीक है, आगे भी कुछ चीज़ें उसको भी देख लेते हैं। इसमें साफ साफ कह रहा है
कि प्रश्नागत विज्ञापन के अंतर्गत घोषित परिणाम में अनुबंधिक, ठीक है, 21 अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है, मतलब कुल 21 को सूचित किया जाता है कि वे अपने अभिलेखों एवं मूल छाया प्रति तथा फोटो पहचान पत्र आधार कार्ड आदि सहित निर्धारित दिन 14 नवंबर को कार्यालय में 10 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित करें। उक्त उनके साथी अभ्यर्थियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सुनवाई का उक्त अवसर अंतिम अवसर है, इम्पोर्टेंट, बिल्कुल अंतिम अवसर है, उस तिथि के अनुसार सुनवाई हेतु कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। जी बिल्कुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था आप सबके लिए, और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, आपको टाइम टू टाइम पहुंचना है, अंतिम अवसर अब कोई नहीं है, ये लास्ट है आपके लिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।